फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और चूंकि आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम, जैसा कि पहले हम जितने वीडियोस बना चुके हैं उसमें हमने सारे क्वेश्चन पेपर्स जो प्रीवियस ईयर के हैं उनको सॉल्व करना शुरू किया है, तो ये तीसरा जो है वो सेक्शन है इसमें। और ये जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नेट के लिए ज़रूरी है, ये सभी पेपर के लिए ज़रूरी है। जहाँ जहाँ नेट एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी में ये काम करेगा। तो जहाँ भी इंग्लिश लिटरेचर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑथर रिप्रेजेंट द श्रीलंकन डायस्पोरा। श्रीलंकन डायस्पोरा को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो है सिरिल डेबेदिन, देन आर्नल्ड एच इथारू, देन माइकल ओंडांचे, देन एम जी वसांजी। तो माइकल ओंडांचे इसका एक सही ऑप्शन है, और इनका पूरा नाम फिलिप माइकल ओंडांचे है। इनका बर्थ जो है वो श्रीलंका में 1943 में हुआ था, लेकिन ये कनाडा में रहते हैं इसलिए इनको कैनेडियन पोइट भी कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क इनका देख लेते हैं, इंग्लिश पेशेंट, रनिंग इन द फैमिली, इन द स्किन ऑफ अ लायन, कमिंग थ्रू स्लॉटर, वार लाइट एक्सेट्रा इन 2018। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। इन 2018 ओंडांचे को गोल्डन मैन बुकर प्राइज़ मिला था, किस नॉवेल के लिए? इंग्लिश पेशेंट के लिए। तो हो सकता है आपसे पूछ दे कि इंग्लिश पेशेंट किसका वर्क है। फिर इंग्लिश पेशेंट 1992 में लिखा गया था, और ये बुकर प्राइज भी इस पर्टिकुलर वर्क को मिला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जुलाई 2018 में इनका एक और नॉवल को लॉन्ग लिस्ट किया गया था मैन बुकर प्राइज के लिए, और उस पर्टिकुलर नॉवल का नाम था वार लाइट। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसको आपको याद रखना चाहिए। अब इंग्लिश पेशेंट की अगर बात करें तो ये जो है दो चार अनसिमिलर लोगों के, डिससिमिलर लोगों के बीच की स्टोरी है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, अलमासी हाना किप जो कि कृपाल सिंह है, देन कैथरीन क्लिफ्टन, जॉफ्री क्लिफ्टन, ये सारे लोग हैं। देन अब देखते हैं सिरिल डेबेदिन को। तो सिरिल डेबेदिन की बात करें तो ये एक घाना बॉर्न कैनेडियन राइटर हैं, जिनका राइटर ऑफ इंडियन डिसेंट। फिर अर्नाल्ड इथारू की बात करें तो 1942 में इनका बर्थ हुआ था, और इनका जो नोटेबल वर्क है वो है इंटॉम्ड सर्वाइवल, देन शांति, देन इन्वेंशन ऑफ कैनेडा, देन क्लोज्ड इंटरेंसेस। फिर अगर एम जी वसांजी की बात करें तो येस, बॉर्न इन 1950, कैनेडियन नॉवेलिस्ट हैं। पूरा नाम मोएजी जी वसांजी है। इनकी पहली नॉवेल जो थी वो है द गनी सैक। गनी सैक को रीजनल कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज इन 1990 मिला था। फिर कुछ इंपॉर्टेंट वर्क और है, द बुक ऑफ सीक्रेट्स, देन द इन बिटवीन वर्ल्ड ऑफ विक्रमलाल, जिसको कि गिलर प्राइज मिला था। और भी कुछ अदर वर्क अगर देखा जाए तो अच्छा, इनको एक ये ऐसे राइटर हैं जिनको दो बार गिलर प्राइज मिला था, एक फॉर द बुक ऑफ द सीक्रेट और दूसरा इन बिटवीन वर्ल्ड ऑफ विक्रमलाल। अगर कुछ अलग और भी रचनाओं की बात करें तो व्हेन शी वाज अ क्वीन, नॉस्टैल्जिया एक्सेट्रा। फिर ऑस्ट्रेलियन 32 क्वेश्चन जो है वो है, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स रिसीव द सिंपथेटिक ट्रीटमेंट। तो वो है लेस म्यूरे, जूडिथ राइट, गवेन हारवुड एंड एडी होप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जूडिथ राइट है। जूडिथ राइट के बारे में अगर देखें तो 1915 में बर्थ हुआ, 2000 में इनकी डेथ हो गई। वो और शी इज़ एन ऑस्ट्रेलियन पोएट, मतलब ये ऑस्ट्रेलियन पोएट हैं और ये कैंपेनर भी हैं, ठीक है। इनकी कुछ अगर इम्पॉर्टेंट पोइट्री देखा जाए तो द मूविंग इमेजेस, वेमेन टू मैन, द गेटवे, द टू फायर्स, द बर्ड्स, द अदर हाफ, मैगी पाइज, शेडो, हंटिंग स्नेक, और शी इज़ एन इन्वॉर्मेंट एक्टिविस्ट, ठीक है। फिर एडी होप की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन पोएट हैं, एसेस्ट हैं, नोन फॉर हिज सटायरिकल स्लैंट। और इनकी जो इम्पॉर्टेंट वर्क जिनको फर्स्ट कलेक्शन बोला जाता है, द वंडरिंग आयलैंड 1955 में, और ये पोप, ऑडन, ईट्स, इनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं एडी होप। फिर लेस म्यूरे की बात करें तो 1938 में इनका बर्थ होता है, और अप्रैल 29, 2019, मतलब इसी साल इनकी डेथ हुई है। तो हो सकता है इनसे क्वेश्चन आ जाए नेट में, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। लेस म्यूरे, इनकी जो डेथ हुई है वो अभी फ़िलहाल 29 अप्रैल 2019 को हुई है, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये जो है ये ऑस्ट्रेलियन पोएट,
हैं और क्रिटिक भी हैं. टू वर्स नॉवेल इन्होंने लिखा था जिसका पहला नाम था द बॉयज़ हु स्टोल इन द फ्यूनरल एंड फ्रेडी नेपच्यून. फिर कुछ पोइट्री कलेक्शन है जो कि द वेदर बोर्ड, कैथेड्रल है, लंच एंड काउंटर लंच, द डे लाइट मून, द आइडल व्हील, किलिंग द ब्लैक डॉग, वेटिंग फॉर द पास्ट एक्सेट्रा. फिर गवीन हरवुड की बात करें तो 1920 में बर्थ हुआ, 1995 में डेथ हो गई. पूरा नाम गवीन डोलिन नेसी फोस्टर है. ऑस्ट्रेलियन रैपर थे और रैपर हैं. और ये इनकी बात करें तो हर फर्स्ट पोएम वॉज पब्लिश्ड इन मीनांजी इन 1944. और नोटेबल वर्क अगर इनकी देखें तो ये द लायन ब्राइड, बोन स्कैन, द प्रेजेंट टेंस. तो ये इन सब की गवीन हरवुड की बारे में है. एंड शी इज़ अ वेरी वेरी गुड रैपर. तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे. मार्गरेट एटवुड्स सर्वाइवल मेक अ केस फॉर. तो मार्गरेट एटवुड की जो सर्वाइवल है वो किस पे केस करती है. द फ्यूचर ऑफ कैनेडियन लिटरेचर. मार्गरेट एटवुड की बात करें तो इनका बर्थ होता है 1939 में. और पूरा नाम जो है इनका मार्गरेट एलनोर एटवुड है. कैनेडियन पोएट, नॉवलिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक, एसेइस्ट, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एक्सेट्रा. नोटेबल वर्क में देखा जाए तो सरफेसिंग है, द हैंड मेड टेल, देन कैट्स आई, एलियस ग्रेस, द ब्लाइंड असैसिनी, ये सारी है. फिर शी इज़ देन इन्वेंटर एंड डेवलपर ऑफ लॉन्ग पेन. लॉन्ग पेन की ये इन्वेंटर भी हैं, डेवलपर भी हैं. द ब्लाइंड असैसिनी को बुकर प्राइज मिला था. देन ऑरेक्स एंड क्रेक इनकी ट्रायोलॉजी है. ऑरेक्स एंड क्रेक ये नॉवल है. इसकी जो दूसरी नॉवल है द ईयर ऑफ द फ्लड एंड द तीसरी है मैडा एडाम. देन अगर देखा जाए लेटेस्ट नॉवल जो इनकी है वो है अभी फ़िलहाल आई है 2019 में, वो है द टेस्टामेंट. तो ये भी ज़रूरी है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है पूछ दे कि द टेस्टामेंट किसका वर्क है. ये 2019 में आई है वर्क, इसलिए इम्पॉर्टेंट है. और ये सीक्वल है 1985 में इनकी जो नॉवेल आई थी द हैंड मेड्स टेल, तो ये उसका सीक्वल है. फिर अगर कुछ शॉर्ट फिक्शन कलेक्शन की बात कर लें तो डांसिंग गर्ल, मर्डर इन द डार्क, ब्लू बर्ड, एग्स, देन वाइल्डरनेस ट्रिप, द गुड बोन्स, द टेंट, द मॉरल डिसऑर्डर एक्सेट्रा. पोइट्री कलेक्शन की बात करें द सर्कल गेम, पावर पॉलिटिक्स, द डोर, यू बिगिन, स्नेक पोएम, ट्रू स्टोरीज एक्सेट्रा. चिल्ड्रन बुक की बात करें तो अप इन द ट्री, एनाज पेट, फॉर द बर्ड्स. नॉन फिक्शन की बात करें तो द सर्वाइवल. द सर्वाइवल ये इनका नॉन फिक्शन है. अ थीमेटिक गाइड टू कैनेडियन लिटरेचर, निगोशिएटिंग विद द डेड दूसरा इंपॉर्टेंट नॉन फिक्शन, राइटर ऑन राइटिंग थर्ड इंपॉर्टेंट नॉन फिक्शन इनका, राइटिंग विद द इंटेंट एसे है, पे बैक फोर्थ इंपॉर्टेंट नॉन फिक्शन है इनका, डेप्ट एंड द शेडो साइड ऑफ वेल्थ. ग्राफिक नॉवल इनका है द एंजल कैटबर्ड. सर्वाइवल अ थीमेटिक गाइड टू द कैनेडियन लिटरेचर, इनका सर्वे है कैनेडियन लिटरेचर पे, और ये है फ्यूचर ऑफ द कैनेडियन लिटरेचर पे. अब क्वेश्चन 34 देखें तो वी एस नायपॉल की लेटेस्ट बुक कौन सी थी. तो वो है द मिस्टिक मस्योर. फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है अ बेड इन द रिवर ऑप्शन. तीसरा ऑप्शन था एमंग द बिलीवर्स. फोर्थ ऑप्शन था हाफ अ लाइफ. वी एस नायपॉल की अगर हम बात करें तो 1932 में इनका बर्थ होता है, 2018 में इनकी डेथ हो जाती है. फुल नेम इनका अगर देखा जाए तो श्री विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल इनका पूरा नाम है. फिर ही वॉज अ ट्रिनेडियन ब्रिटिश राइटर. ट्रिनिडैड में ये रहते हैं और ट्रिनेडियन कहा जाता है इनको, ब्रिटिश राइटर इनकी कैटेगरी में रखते हैं. फिर इनके जो अर्ली नॉवेल्स होते थे उनमें ट्रिनिडैड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग होती थी नॉवेल की. फिर अगर इनका नोटेबल वर्क देखा जाए तो द हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, मिस्टर विश्वास एंड इन फ्री स्टेट, अ बेंड इन द रिवर, द एनिग्मा ऑफ अराइवल. फिर अगर देखा जाए नोबल इनको प्राइज मिला था 2001 में. नायपॉल को बुकर प्राइज मिला है 1971 में इनकी नॉवेल इन अ फ्री स्टेट के लिए.
फिर अगर डेट्स देखा जाए नॉवल की जो लिखी हुई है वो है मिस्टिक मेस्योर की बात करें तो 1955 में लिखा गया था। ये एक कॉमिक नॉवल है और इसकी जो सेटिंग है वो ट्रिनिडाड में है। इसका जो हीरो है वो गणेश रामस्यूमर है और ये मेस्योर का मतलब होता है मेस्योर का मतलब कि एक ऐसा इंसान जो सबकी इलनेस दूर कर दे, तो उसका है ये। तो ये एक नॉवल है जिसमें कि एक इंडियन डिसेंट एक आदमी रहता है, राइटर रहता है, जो एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन में बन जाता है, ये है। फिर अ बेंड इन द रिवर 1979 में लिखा गया था और इसका जो हीरो है वो सलीम नाम है उसका, अ मर्चेंट इन अ पोस्ट कॉलोनियल मिड 20th सेंचुरी अफ्रीका। अगर थर्ड इम्पॉर्टेंट वर्क की बात करें तो एमंग द बिलीवर्स एन आइलैंड जर्नी, सॉरी एन इस्लामिक जर्नी है, एमंग द बिलीवर्स एन इस्लामिक जर्नी 1981 में ये बुक इन्होंने लिखी थी। और सिक्स मंथ की इनकी जो जर्नी थी एशियन कॉन्टिनेंट की, जिसमें कि इन्होंने ईरानियन रिवॉल्यूशन को देखा था, तो वो इन्होंने इस पर्टिकुलर वर्क में वो सारी चीज़ें लिखा है। फिर हाफ अ लाइफ इन 2001 इनकी नॉवेल आई नायपॉल की और इसकी जो सेटिंग है वो इंडिया में है, अफ्रीका एंड यूरोप में है। प्रोटैगनिस्ट विली सोमरसेट चंद्रा है, इनके जो फादर थे विली सोमरसेट चंद्रा के वो ब्राह्मण थे, मदर दलित थी। फिर क्वेश्चन 35 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ सलमान रश्दी रिफर टू द 15th सेंचुरी स्पेन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, तो किस में लिखा हुआ है 15th सेंचुरी स्पेन के बारे में, किस पर्टिकुलर बुक में इनके इन्होंने मेंशन किया है। पहला जो इंपॉर्टेंट इसमें ऑप्शन है वह है हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज, देन मरून, ये मून नहीं है, मूर्स है, मूर्स MOOR नॉट N, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, द मूर्स लास्ट साई, देन शेम एंड ग्रीमस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ग्रीमस है। अब सलमान रश्दी की बात करें तो 1947 में इनका बर्थ होता है। इनका पूरा नाम सर अहमद सलमान रश्दी है, ब्रिटिश इंडियन नॉवेलिस्ट एंड एसेइस्ट हैं। देन मिडनाइट्स चिल्ड्रन इनकी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जो कि 1981 में आई थी, जिसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला था। फिर जो इनके नॉवेल हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे उनकी सेटिंग होती है, मतलब सेटिंग जो है नॉवेल की, सेटनिक वर्सेस 1988 इनकी काफ़ी कंट्रोवर्शियल वर्क है, जिसकी वजह से इनको इनके अगेंस्ट फतवा भी जारी हो गया था, मतलब फतवा भी निकाल दिया गया था इनके खिलाफ। फिर फतवा होता है जो मुस्लिम कम्युनिटी में जब आप कोई इस तरीके का काम करते हैं जो कम्युनिटी के अगेंस्ट होता है तो आपके खिलाफ एक फतवा जारी किया जाता है, तो वही होता है इसमें, इनके पर्टिकुलर इस वर्क के अगेंस्ट फतवा लाया गया था सेटनिक वर्सेस 1988 में। फिर रश्दी की जो पहली नॉवल थी वो है ग्रीमस और ये पार्ट साइंस फिक्शन टेल है। फिर इनके इंपॉर्टेंट नॉवल में भी ग्रीमस आता है, मिडनाइट चिल्ड्रन आता है, शेम आता है। नॉन फिक्शन अगर वर्क देखें इनकी तो द जगुआर स्माइल ही रोट इट इन 1987 आफ्टर विजिटिंग द नकारगुआ। फिर स्टेप अक्रॉस दिस लाइन इनका दूसरा नॉन फिक्शन वर्क है। फिर शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो येस ईस्ट वेस्ट इनकी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। अदर नॉवेल्स की बात करें तो द मूर्स लास्ट साई, देन दिस इसकी जो सेटिंग है वो बॉम्बे एंड कोची पे बेस्ड है। देन सेटनिक वर्सेस इसको इंडिया में बैन किया गया है, तो ये इस पर्टिकुलर कुछ फैक्ट्स हैं इसके इससे रिलेटेड। देन ग्रीमस इनकी पहली नॉवेल है 1975 में लिखी हुई, हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज 1990 में एक चिल्ड्रन बुक है, इसके जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो हारून खलीफा नाम है उनका, जेनरा जो है मैजिक रियलिज्म नॉवेल है, इनकी पूरी नॉवेल जो है वो मैजिक रियलिज्म पे बेस्ड है। शेम की बात करें तो इसके जो प्रोटैगनिस्ट हैं इस्कंदर हरप्पा, स्टोरी टेक्स प्लेस इन द टाउन कॉल्ड क्यू, और ये जो पर्टिकुलर शेम है ये पाकिस्तान के जो भुट्टो फैमिली है कहीं ना कहीं उनसे काफ़ी रिजेंबल करता है ये इनका पर्टिकुलर नॉवल। फिर क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो हुज अफ्रेड वर्जीनिया वुल्फ इज रिटन बाय, किसके थ्रू लिखा हुआ है, आर्थर मिलर, एडवर्ड एल्बी, देन यूजीन ओनील, देन टीनिश टनीशी विलियम। फिर अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एडवर्ड एल्बी का बर्थ 1928 में हुआ और डेथ हो गई 2016 में। इनका पूरा नाम एडवर्ड फ्रैंकलिन एल्बी थर्ड था, अमेरिकन प्लेराइट हैं और ये जाने जाते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट वर्क के लिए, जिसमें द जू स्टोरी, द सैंड बॉक्स, हुज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ और द डेलिकेट बैलेंस, द गोट और हु इज सिल्विया
three tall women. अब who afraid, who's afraid of Virginia Woolf, ये play है three act का. इसकी जो title है ये एक pun है और इस particular song से इसको लिया गया है, who afraid a big bad wolf. Disneyland, Walt Disney की एक जो three big pigs है शायद उसमें ये गाना जो है वो अक्सर गाते थे. फिर इट इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैरिज ऑफ अ मिडिल एज कपल मार्था एंड जॉर्ज के बेस्ड ये स्टोरी है, हुज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ. दो और इनका जो लास्ट वर्क है एलबी का, एडवर्ड एलबी का, वो है मी माई सेल्फ एंड आई. फिर आर्थर मिलर की बात करें तो 1915 में इनका बर्थ होता है, 2005 में डेथ हो जाती है. अमेरिकन प्लेराइट, एसेइस्ट एंड कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं. पॉपुलर प्ले ऑल माई सन, डेथ of a salesman, the crucible, then crucible, then a view from a bridge. The misfit इनका एक ऐसा वर्क है जो कि फिल्म बनाया गया था, स्क्रीन प्ले वगैरह लिखा गया था, अमेरिकन ड्रामा फिल्म इस पर बनी है. फिर यूजीन ओनील की बात करें तो 1888 में इनका बर्थ हुआ, 1953 में इनकी डेथ हो गई. अब अगर देखा जाए इनका पूरा नाम है यूजीन गैल्डस्टोन ओनील. इनको नोबेल प्राइज मिला था 1936 में. इनके जो कुछ नोटेबल वर्क हैं उसको देख लेते हैं, बियॉन्ड द होराइजन 1918, द स्ट्रॉ 1919, देन द एम्परर जोन 1920, हेरी एप 1922, स्ट्रेंज इंटरल्यूड, डायनेमो, अ वाइल्डरनेस, अ लॉन्ग डेज जर्नी इन टू नाइट. वन एक्ट प्ले भी इन्होंने लिखा है जिसमें कि इन द जोन, द वेब, अ वाइफ फॉर अ लाइफ, थर्स्ट, फॉग, एबॉर्शन, रेकलेसनेस, ये सारा है. अब टनीशी विलियम की बात करें तो 1911 में इनका बर्थ होता है, 1983 में इनकी डेथ हो जाती है. पूरा नाम है थॉमस लेनियर विलियम थर्ड. इनका पेन नेम था टनीशी विलियम. अमेरिकन प्लेराइट, कंटेम्प्ररी ऑफ आर्थर मिलर एंड यूजीन ओनील. इंपॉर्टेंट वर्क है इनका ग्लास मिनार्जरी, ग्लास मिनार्जरी 1944, द स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ एंड द स्वीट बर्ड ऑफ यूथ. ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं. अब जो 37 था वो है इमामू अमीरी बराक. इज कौन है ये, अ करेबियन राइटर, अरब राइटर, एन अमेरिकन राइटर, श्रीलंकन राइटर. तो ये एक अमेरिकन राइटर थे. इमामू अमीरी बराक की बात करें तो इनका बर्थ है 1934 में और 2014 में इनकी डेथ हो जाती है. इनको लीरोई जोन्स भी कहा जाता था, मतलब ये अपने आप को लीरोई जोन्स भी कहते थे. ये एक अमेरिकन राइटर थे और इनकी सबसे कंट्रोवर्शियल वर्क बोली जाती है समबडी ब्लू अप अमेरिका. ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उस समय हुआ आफ्टर जब वर्ल्ड टावर गिरा दिया गया जो अमेरिका का, तो वो जो टावर गिरा उसके बाद की जो घटनाओं पे इन्होंने एक पोयम लिखी समबडी ब्लू अप अमेरिका, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई. एक ये कंट्रोवर्शियल वर्क था. अब इसके इनके कुछ अलग पोइट्री देखें तो ब्लैक मैजिक, इट्स नेशन टाइम, हार्ड फैक्ट्स, द बुक ऑफ मॉन्क. ड्रामा अगर इनकी देखें तो द डच मैन, द स्लेव, द ब्लैक मास, स्लेव स्लिप, मोस्ट डेंजरस मैन इन अमेरिका. फिक्शन की बात करें द सिस्टम ऑफ दांतेज हेल टेल. फिर नॉन फिक्शन बोलें द ब्लूज पीपल, ब्लैक म्यूजिक, ऑटोबायोग्राफी ऑफ लेरोई जोन्स, अमीरी बराक, डैगर्स एंड जेवलिन्स, ये इनका एसे है, डैगर्स एंड जेवलिन इनका एसे है. देन अगर इंपॉर्टेंट कैरेबियन राइटर्स देखें तो जीन रेज, लियोन रॉस, नायपॉल, ड्रेक वेलकॉट, जमाइका किंसेड, एडवर्ड बार्थ वेट, विल्सन हैरिस, ड्रेक वॉलकॉट, दो बार हो गया, अर्ल लवलेस एंड C.L.R. James. कुछ इंपॉर्टेंट अरब राइटर्स देखें तो एडवर्ड सईद हैं, खलीफ गिब्रान हैं, महमूद डारविश हैं, अब्दुल रहमान मुनीफ हैं. इंपॉर्टेंट श्रीलंकन राइटर देखें तो अभी ऊपर हमने देखा था ओडांचे, माइकल ओडांचे, देन श्याम सेल्वा दवारी, देन रोमेश गुनशेखरा, देन जीन अरसान न्यागम,
अर्सानियागम, अर्सनायगम, सॉरी जीन अर्सनायगम, देन कर्ल मूलर, ये सारे इंपॉर्टेंट श्रीलंकन राइटर हैं, हो सकता है इसमें से एक दो क्वेश्चंस में आ जाए. फिर क्वेश्चन नंबर 38 देखें, अ मिसेलनी वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम, किसके थ्रू पब्लिश की जाती है, द राइटर्स वर्कशॉप के थ्रू पब्लिश की जाती है. फिर क्वेश्चन 39 है, हु ऑफ द फॉलोइंग राइटर रिक्रिएट द लाइफ ऑफ योरूबो और इबो कम्युनिटी. तो इसके जो इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस थे उसमें था ड्रेक वॉलकॉट, शिनुआ एचीबी, वोले सोइंका एंड ओकॉट. तो वोले सोइंका इसका जो राइट आंसर है. अब वोले सोइंका का बर्थ 1934 में होता है, ये नाइजीरिया में इनका बर्थ होता है और इनका पूरा नाम है अकिनवडे उले वोले बाबा टुंडे सोइंका. अब इनको नोबेल प्राइज़ मिला 1986 में, ये पहले अफ्रीकन राइटर थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है. फेमस फॉर नाइजीरियन फेमस नाइजीरियन ड्रामेटिस्ट नॉवलिस्ट एंड पोइट. इंपॉर्टेंट अगर इनका वर्क देखा जाए, प्ले देखा जाए, ड्रामा अगर इनका देखा जाए इंपॉर्टेंट, तो वो था द लायन एंड द ज्वेल, अ डांस ऑफ अ फॉरेस्ट, द स्ट्रॉन्ग ब्रीड, कॉन्गीज हार्वेस्ट, डेथ एंड किंग्स हॉर्समैन. नॉवेल देखा जाए द सीजन ऑफ एनोनमी एंड द इंटरप्रेटर्स. अब ड्रेक वॉलकॉट की बात करें तो 1930 में बर्थ हुआ, 2017 में डेथ हो गई. इंपॉर्टेंट पूरा नाम अगर इनका देखा जाए तो वो है सर ड्रेक एल्टन वॉलकॉट. नोबेल प्राइज मिला 1992 में इनको लिटरेचर के लिए. नोटेबल वर्क देखा जाए तो ड्रीम ऑन मंकीज माउंटेन, ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन और ओमेरॉस इनकी एक एपिक लॉन्ग लेंथ पोयम है. बाकी अगर कुछ और देखा जाए तो ड्रीम ऑन अ मंकी माउंटेन एक प्ले है. फिर इन अ फाइन कैसल, द केप मैन, हेनरी क्रिस्टोफ, अ क्रॉनिकल इन सेवन सीन, वाइन ऑफ द कंट्री, ये सारा प्ले है. अब चिनुआ एचीबी को देखते हैं, 1930 में इनका बर्थ हुआ, 2013 में इनकी डेथ हो गई. अब इनका पूरा नाम है एल्बर्ट चिनुआलू मोगू एचीबी, नाइजीरियन नॉवेलिस्ट, पोएट एंड क्रिटिक. फर्स्ट नॉवेल इनकी थी थिंग्स फॉल अपार्ट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट नॉवेल है ये, 1958 में लिखा गया था. अदर नोटेबल वर्क देखा जाए, नो लॉन्गर एट एज, एरो ऑफ गॉड, अ मैन ऑफ द पीपल, एंड हिल्स ऑफ सवाना. अब ओकॉट की बात करें तो 1931 में इनका बर्थ होता है, 1982 में इनकी डेथ हो जाती है. पूरा नाम ओकॉट पी बिटेक है, युगांडा के ये पोएट हैं और इन्होंने अचीव किया रिकॉग्निशन, इनको मिला सॉन्ग ऑफ लॉनियो से. इसको इन्होंने खुद ही ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, ओरिजिनली ये एचोली लैंग्वेज में लिखा हुआ है. अदर इनका इंपॉर्टेंट वर्क है मॉडर्न कुकरी एंड सॉन्ग ओकोल, सॉन्ग ओकोल इन्होंने डायरेक्ट इंग्लिश में लिखा था. फिर क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो ये हु इज द फॉलोइंग, हु ऑफ द फॉलोइंग वाइल फीमेल ऑथर आर सिंपथेटिक टू कॉज ऑफ द ब्लैक. इसका जो ऑप्शन है वो मार्गरेट ड्रेबेल है, मुरियल स्पार्क, नदीनी गॉर्डिमर एंड जीन रेज. तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो नदीनी गॉर्डिमर था. नदीनी गॉर्डिमर के बारे में हमने ऑलरेडी पहले वीडियोस में देख लिया है इसलिए मैं इस पर डिटेल में नहीं बात करूंगी. जिनको नहीं देखा है, जीन रेज के बारे में भी हमने देख लिया है. ये जो दो राइटर हैं मार्गरेट ड्रेबेल और मुरियल स्पार्क, इनके बारे में देखते हैं. मार्गरेट ड्रेबेल की बात करें तो 1939 में इनका बर्थ हुआ. पूरा नेम डेम मैग्रेट ड्रेबेल लेडी हॉलरियॉर्ड है. इंग्लिश नॉवेलिस्ट, बायोग्राफर एंड क्रिटिक हैं. फर्स्ट नॉवेल अ समर बर्ड केज 1963 में. अगर दूसरी किताबों की बात करें तो द माइलस्टोन 1965, द निडल्स आई, द प्योर गोल्ड बेबी, अ डे इन द लाइफ ऑफ अ सिमिलर वुमेन, कलेक्शन ऑफ इनकी शॉर्ट स्टोरीज. और इनके लेटेस्ट वर्क देखा जाए तो इन्होंने हाल ही में लिखा है द डार्क फ्लड राइजेस 2016 में. मुरियल स्पार्क की बात करें तो 1918 में इनका बर्थ हुआ, 2006 में इनकी डेथ हो गई. पूरा नाम डेम मुरियल सारा स्पार्क है, स्कॉटिश नॉवेलिस्ट, शॉर्ट राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर,
पोइट एंड एसेइस्ट। नोटेबल वर्क की अगर बात करें, द प्राइम ऑफ मिस जीन बॉर्डी, द मेंडेल बामू, मेंडेल बाउम गेट, द ड्राइवर्स सीट, हर फर्स्ट नॉवेल इज द कम्फर्टर्स, कम्फर्टर्स। तो ये अभी तक हमने 40 क्वेश्चन तक देख लिया है और आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। प्लीज़ इसको आप ध्यान से देख लो, इसमें जो भी डिटेल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी, क्योंकि ये पूरा पूरा ऑप्शन को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो एक वन शॉट है आपके पास कि अगर आप नई तैयार किए हो अभी तक नेट, तो आप क्वेश्चन पेपर देख लो, लगभग लगभग सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। तो टिल देन, नेक्स्ट जो वीडियो है आने तक आप अपना ख्याल रखिए और स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।